आज हम करेंगे बड़ी ई की मात्रा। हम बड़ी ई की मात्रा की आवाज़ को अक्षर में लगाकर पढ़ने का अभ्यास करेंगे और साथ ही इसे लिखने का भी अभ्यास करेंगे। क ई की, अक्षर में आवाज लगाई खी, गी, घी, इस पर मात्रा नहीं लगेगी। जब आप मात्रा लगाएंगे तो ध्यान दें कि ये तो अक्षर आप सारे पेंसिल से लिखेंगे, बट मात्रा आप किसी दूसरे रंग की पेंसिल से ही लगाएं। ची, छी, जी, झी, इस पर आप मात्रा नहीं लगाएंगे, इस पर भी आप मात्रा नहीं लगाएंगे, पर बाकी जितने भी अक्षर हैं टी से लेके ह तक, इन सब में ही आपने मात्रा को लगाना है और इसकी आवाज़ के साथ पढ़ने का अभ्यास करना है। टी, ठी, डी, ढी, ती, थी, ऐसे ही इन सारे अक्षरों को उसकी आवाज़ के साथ पढ़ने का अभ्यास करेंगे। पढ़ते वक्त आपने इनको पढ़ना भी है और साथ ही साथ लिखना भी है। धन्यवाद।